जैसे सर आराम से लेके जा रही क्लास में, हाथ पकड़ के चलो चलो बैग ले रखा इसका, और जैसे ही मैं क्लास में लेके बढ़ूंगी, अरे गेट पर नो हो जाएगी यार, फिर आगे जानी पड़ी हो वो लटक जा बेटे, खड़े हो खड़े हो, और फिर कैसे मन ने मैम इसे बुलावेगी, नंदनी बेटा इधर आओ, फिर मैम ये रोल लगे मेरी नोट पकड़ ले, उसे बहुत की छोड़ती नहीं, कौली भर ले, दूसरी क्लास थी मैंने माता नु डाला, मेरी क्लास में ऐसा भी रोता हूं नहीं मानती है, मैं तो अपनी क्लास में, हां फिर दूसरे सेक्शन की मैम कहती होगी आज मेरी क्लास में बैठ जा, तो फिर मैम बोले कि आ जाओ नंदिनी बेटा टॉफी दूंगी, फिर मैम तो मुझे कह रहे कि तुम चले जाओ, इसे मैं चुप कर लूंगी, और फिर इसे मैम टॉफी दे रहे, आज मैं इसकी लंच में क्लास में जाऊँ ना, तो आराम से लंच करके जल्दी जल्दी पढ़ रही हो है। तो इसकी ट्रिक है ये टॉफी लेने की है, सुबह सुबह पड़ेगी, सुबह सुबह रोना जाके वहाँ से मुंह बना के एक्टिंग करे या बस आदत पड़ेगी रोज ऐसा करने की। चलो बेटा आरो से बेटे को तो बैग तैनात कर लो बेटे, हैं अपना राम राम जी, राम राम जी, देखो आज तो वो इसे तलवार खाना था, दया था बाबू, रोज रोज ही खाना खिलवावे एंड वो करते रोज खाना खिलवावे, हमें तो रोज नहीं खिलवाती खाना बेटा, पहले ही हैंड वॉश कर ले करो, सबको बोल ले मैडम ठीक है, और आप भी क्या कर लो, चलो खाओ फटाफट से, आज इसकी फेवरेट पुलाव बननी कर लिया था, और ये कह रहा था रोज आलू आलू खुआ का आलू का मकोड़ा बनाओगे क्या, मैंने कहा चल ठीक है आज तेरी फेवरेट ये खिचड़ी बनेगी, खाओ फटाफट से। अभी हो गया इसके होमवर्क कराने का टाइम, और इसने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, 3 बजे तो ये लोग आते ही है क्योंकि गाड़ी इनकी वहां से इस टाइम पहुंचती है, अभी बजे है 4:30 शाम के, और अब मैं बनाऊंगी चाय, तब तक ये करेगा होमवर्क, और बीच में मैं इसका चेक करती रहूंगी, आरुषि उधर पढ़ाई कर रही, हाँ अब सही है, आज इसे होमवर्क में मिलाया है 1 to 200 तक काउंटिंग लिखना, और वो भी साफ साफ जहाँ तक भी आवे ऐसे वहाँ तक लिख दो, अच्छा। पर बाद में 200 पूरी करने तक है ना, मैंने पहले शाम को करा था थोड़ा सा स्टार्ट वो 80 तक, फिर मैंने रात, जैसे कि नवरात्रे चल रहे तो आजकल माँ जो है कीर्तन में जो है धर्म लाभ ढारी, और ये पता नहीं किस चीज की कली लाई, और मुझे वो जो ऊपर है ना, अरे मैं बता रही गुडल पर आ रही होगी, गुडल पे नहीं है और नहीं ऐसे जो हमने पौधा लिया था ना, अच्छा वो कमल से के फूल का आया है, कमल पंखी वाला उस पर आ रहा है, ऊपर मैं कह रही थी फूल आवेंगे क्या, उन्हें छेड़ा ना करा, सूख जाएंगे सारे पौधे, तोड़ के देखा तड़की मेहनत करनी पड़े, मैं उठती सारो पहले नहीं देखू, रात पुदीना देख रही थी मुरझाता तो नहीं हो किसी टेब, लाइट खोल गए कई बेरी देखी रात गई मुरझाया नहीं हो गया वो, और माँ ये कह रही कल होगी हमारे यहाँ पर कीर्तन, तो मान उत्पत आई जहाँ कीर्तन मंडली में जाती है कीर्तन करवाने के लिए, तो क्या क्या सामान आवेगा वो तो माई बताओगी, ये पाइप है तैयार, बड़े पाइप से सिंचाई का समय आ गया क्योंकि पौधे बड़े होंगे तो पानी भी ज्यादा पीवेंगे वे, हैं और उससे छोटे पाइप से देर लगे, बड़े पाइप से डायरेक्ट पानी चलेगा, अच्छा नु बताओ यही सी करवाओगे इस घर में कुछ घर में कहाँ करवाना सही होगा नु बताओ, पहले यही करवाओगे, पहले यही करवाओगे फिर वहाँ ग्रह प्रवेश करवाओगे पूजा पाठ करवाओगे तब जाके वहाँ पे काम शुरू करेंगे, अभी खेती बाड़ी तो भाई वो तो हम कर ही रहे, गाय माता छोड़ दी किसी ने ये आली, या तो बचिया है, बचिया है बांध, ये किसी ने छोटा सा बच्चा छोड़ दिया, ये देखो कोई कैसे ही छोड़ दे, हमारा इतना बड़ा बछड़ा हो रहा हमने तो छोड़ा नहीं 2 साल में भी, और बचिया है देखो जब ये हालत है, छोटे से बच्चों को छोड़ दे, प्यासी हो रही थी बेचारी पानी पियाया, हाँ और क्या अब तक की प्यासी और दे दो इसे पानी थोड़ा सा पी लिया इन्हें सारा पानी, देख चेंट भी हो रही इसका, इसका जरा सा स्प्रे और मार दो कान के दौरे, ये भूख की प्यासी बेचारी वो हो गए परेशान, चाचा जरा सा स्प्रे और मार दो इस पर कान पे इसके, मक्खी नहीं बैठने की, फिर बताओ कद की प्यासी फिर रही बेचारी भूख की प्यासी, कान पे चेट लग रही इसके, किसने काट लिया क्या अब तक इसने कटा, चोट फेट लग जाना छोटी से पैर पे, हाँ चाचा को बताइए स्प्रे कर देंगे ठीक है, यहाँ लगवा लेंगे बस जरा सिंगा मार, बस बस ले ले।
दो बाल्टी पानी पिया बेचारी ने, प्यास लग रही थी बहुत तेज। हाँ घास तो कहीं चुग लिया लेकिन पानी तो नहीं मिलता। सरकार भी नेतागिरी सब झाड़ दे फिरो जहाँ अपनी, हमने गौशाला खुलवा दी, हमने ये करवा दी, इतना इन्हें बेचने देते, इन्हें गौशाला में लेते, जिसका फालतू हो जाओ इन्हें सड़कों पे छोड़ दे, लोग गाड़ी देंगे अब तक तो दूध मारे अभी तो इनके कुत्ते चिपटे हैं, अगर छोटे हों बड़े हों तो लट मारे आदमी भल्ले मारे इनका। और फजीदा बेचारों का वैसे इनकी सेवा करे। कितना रह रहा? एक छोटी सी गाय आई थी, उसे पानी पिलाया। कर लो चलो कम्प्लीट, फिर अपनी साइकिल लेके आ जाइयो। टेबल थोड़ी देर में लिख लिए, इतना साइकिल चला ला जा, इतना हाथ को भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 200 तक लिखने देना तो एकदम से हाथ दुखन लग गया। फिर अच्छा ठीक है, ठीक है इधर इन्होंने उठा लिया है पाइप, और आज ये वाला पाइप लगाऊंगे डायरेक्ट को। ये सारे के सारे खा रहे हैं अपना खाना, खाना होता है इनका थोड़ी सी हरी कुट्टी, थोड़ा सा भूसा, और ये सन्नी कर दी, और ये भी यहीं खा रहा बादल भी, क्योंकि उधर की खोर हटा दी ना जब से छप्पर हटा। चलो भाई खा लो आराम से, ठीक है। कृष्णा, बादल, छोटू, सब लोग वो देख रही, तेरा दूध ना मैं निकाल लेगी या तो टक्कर मारने लगी मेरे। चलो चलते हैं। हमारी चाय की पत्ती का पौधा जो है वो हरा भरा हो गया, उसमें पानी डाल ले कई दिन हो, ऊपर की सारी पत्तियां मैंने हटा दी थी एक्स्ट्रा वाली। पानी डालने की तैयारी, बड़ा पाइप और डायरेक्ट मोटर से आज कनेक्शन, और उधर चिंकी आ गई अपनी बोतल लेगा पानी पीने के लिए। चिंकी पानी की कमी थोड़ा है यहाँ से, आज इन जगह थोड़ा छिड़क दियो या मट्टी बैठ जाएगी है। तो पिट्टे तार लो इसके अच्छे से, और इससे तरा बट जा दे। कोई नहीं आ रहा यहाँ, वो तो काम करके आवेंगे। लेकिन इसने जो है मेरी मजाक बनवाना बंद कर दिया। आखिरकार ये सफलता हासिल कर ली मैंने एक, और ये घर की किचन वाला राजमा है जो मैंने डब्बे में से ला के यहाँ इसके 6 बीज लगाए थे। ये देखो एक ये निकल गया, ये निकल लग रहा अंकुरित हो गया, ये निकल गया, ये देखो कुछ इस तरीके से, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, लेकिन ये सिंगल निकले अभी, और जो इनके साइड वाले हैं वे भी निकल जाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा, राजमा हो सकता है ना? और इसकी बेल नहीं होती, मैंने यूट्यूब पे इसका पौधा देख लिया। अब हम आश्वस्त हैं पूरे कि हम राजमा चावल खा सकते हैं खूब, क्योंकि चावल का सीजन आएगा तो चावल लगा लेंगे, तब तक राजमा हो जाएगा, राजमा हो जाएगा। आलू में डाल गए। डायरेक्ट पानी आने से फायदा ये होगा, टाइम यहाँ पर कम लगेगा और हमारा थोड़ा समय बच जाएगा। तो इस वजह से जो है इन्होंने लगा दिया है मोटे वाला पाइप, और अब जो है भरना शुरू कर दिया है। उधर से सबमर्सिबल चलवा दिया है चिंकी ने, बोल दिया जाएगा घर पे। तो भिंडी कितने दिन में उगेगी पता नहीं भाई, बीज भी भिगोया था, अब देखते हैं। चलो ये देखो पानी कितनी तेजी से चला है। टमाटर के पौधों में सफलता हासिल होते थोड़ा हा क्यों आया एकदम से? हाँ ठीक नहीं कर रही, हाँ कह रही सही कर, इसे वो ना करो, इसमें भिंडी भी लगा रखी है, यहाँ खोद दो तुम इस तरफ, वहाँ जहाँ कह रहे थे कट लगाने को उस वाले इसमें, अब चला जाएगा ये तो बहुत भरेगा तेजी से। कैसे आवे ट्वेल की तरफ देखो, वहाँ से देखो डुब कर हम पानी इस वाले पौधे के वहाँ से तो चढ़ानी पड़ेगी वहाँ, नहीं तो कटान हो जाएगा वहाँ से। नहीं तो कह रही मैं तेरे पापा को, मगर फटाफट से कर दो इसमें जो करना आपको। और रोज वही किचन गार्डन दिखाते हैं, और कुछ मिली नहीं रहा दिखाने के लिए, अब तो यही है हमारे पास में। ईंट पर रख दे ऐसा पानी को, ये आया है इनका एक पार्सल, और खोलने के लिए ये एक्साइटेड है। बाकी सब पार्सल की ओपनिंग करती हूँ मैं और माँ प्रीति मिलकर, लेकिन ये इनका कुछ खास पार्सल है, इसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी इसमें क्या है। मेरे लिए खास पार्सल यही होते हैं कि भाई थोड़ा मोटा मेरा सामान आ जा, तो उनकी ओपनिंग भी मुझे ही करनी होती है। तो अब मैं जो है इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। ये एक देखो बड़ा प्यारा सा सुंदर सा बॉक्स है, और इसमें है मेरे जूते,
जूते ऑर्डर किए थे मैंने और वो आज आ गए हैं, तो बड़ी खुशी का दिन है भाई। जूते मैंने पहले भी यही ऑर्डर किए थे और दोबारा से मैंने सेम ही मंगवाए हैं। ये क्यों मंगवाए हैं मैं बता दूं भाई, मेरे जूते हो गए थे चोरी। तो भाई ये जूते मैंने बिल्कुल सेम टू सेम मंगवाए हैं, क्योंकि ये मेरे पसंदीदा कलर और पसंदीदा ब्रांड था ये मेरा, और मैंने वे थोड़े ही पहनने थे, मैंने वे 10-20 बार पहनने होंगे ज़्यादा, और वो हो गए थे चोरी भाई। अमित की बारात में जा रहे थे तब, वहाँ पर कहीं निकालने की जरूरत पड़ गई थी और वहां से हो गए थे वे चोरी। उन जूतों का तो पता नहीं है, निकालने की जरूरत वहीं पे पड़ती है जब फेरों पे सब परिवार वाले बैठते हैं, फेरे करवाते हैं, वहां पे उठे थे वे जूते। और भाई उनका तो पता नहीं चला। एक बार तो हम मजाक सोच रहे थे, मतलब भाई जैसे साली जूते उठावे ना दूल्हे के, इस तरह से जो है भाई हमारे भी किसी ने उठा लिए होंगे तो थोड़ा बहुत ले दे कर डील करके जूते मिल जाएंगे, लेकिन वो मिले नहीं थे। और वो तो किसी पक्के चोर ने उठा लिए थे जूता, जूता चोर ने। तो चलो ये छोड़ते हुए बात, अब करते हैं इसकी बात और देखता हूँ जो मैंने ऑर्डर करे थे वही आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये बांस पेपर से कवर अप है, तो इसमें किसी चाकू छुरी की जरूरत नहीं पड़ने की, जैसे कि अनबॉक्सिंग करते हैं चाकू लेके ऐसे ऐसे या फिर कैंची से काटते हैं, वैसी जरूरत इसमें है नहीं। तो ये निकल गया है भाई बॉक्स, और इसमें ये क्या, अच्छा ये तो बिल है। मैंने सोचा भाई कोई अप्रिसिएशन लेटर होगा मेरे लिए, जो कंपनी ने लिखा होगा कि बहुत अच्छे। और देखो भाई ये आ गए मेरे जूते, 8 नंबर के जूते। ये वाला कलर ना गाइस बहुत कम गंदा हुआ है, और ये वही कलर है जिसे देख के बड़ा दुख होता है, एक जोड़े जूते पहनने भी नहीं। चलो खैर तो कोई नहीं, कोई बात नहीं है। जूते चोरी बोलते हैं कि भाई भाग्यवान के होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, सच है या झूठ है, और इसी सच को लेकर हम जो हैं तनाव नहीं लिया इन्होंने, तनाव ज्यादा नहीं लिया। दो चार लोगों ने कहा कि भाई जूते चोरी बोलते हैं उसके, जो भाई जो उसके सिर की कढ़ाई हो वो सारी उस पर चली जावे जिसने चोरी करी हो। 8 नंबर के जूते हैं, सही आएंगे। तो ये है भाई मेरा वो पसंदीदा कलर और कंपनी है, आप देख के बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे ये, और पहन के देखो पहले भी सेम ही थे, पहन के इनके थोड़े से लेस ढीले करने पड़ेंगे तब आओगे। यूके पता नहीं क्यों लिखा आता है, इंडिया लिखाना चाहिए है, 8 नंबर पे यूके लिखा आता है सभी जूतों में, यही होता है मैंने अक्सर देखा है, और इस पे भी यही लिखा है, नहीं तो यहाँ पे 8 इंडिया लिखा होना चाहिए था, है हमारा भारत वर्ष। पता नहीं यूके का मतलब मैं सही समझ रहा है या वही है। चलो ये जूते मैं आपको गिफ्ट में दे रही। देखो मतलब पैसे मेरे चले गए, पैसे लाद ना कर हिसाब करें इनका, सुबह को ले लिया या नीचे जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पर्स देऊँ ना, पर्स वे ज्यादातर चलते रहे हैं, तो एक बार मैं आपके जूते गिफ्ट कर रही। जूते तो गिफ्ट तो है, लेकिन हिसाब कर दियो पक्का। हाँ कर दूंगी, सुबह ले लियो। तब अरमली बताने से नहीं जाती, पैसे दियो मुझे तब मान दूंगा मैं कि ये गिफ्ट है ये तेरी तरफ से। लो जूते 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 करते हो, जूतों पे कितना क्यों मरते हो। थैंक यू सो मच। और ये पैसे मैं दे दूंगी जितने के भी आए, क्योंकि पहले वाले महंगे थे, अभी वाले थोड़े से सस्ते आए गाइस। ये कलर मुझे पसंद है, ये दूसरा कलर पसंद कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये गंदा कम होता है, सस्ते नहीं है, कुछ 1% के छूट ज्यादा थे। नहीं आप कह रहे थे ना उनको जो ठीक है, तो इन्होंने फिर वो मौके का चौका मार दिया। तो चलो भाई अभी यहाँ पर बिस्तरा लग चुका है, मच्छरदानी लगानी बाकी है। बहुत अच्छा मौसम लगता है बाहर, ये देखो कितना सुकून है यहाँ पर, जब बाहर सोते हैं मच्छरदानी लगा के एकदम बहुत अच्छी वाइब्स आती है। और बस अब मच्छरदानी लगा के और उसको सुलाना है, बाकी सब अंदर चले गए क्योंकि सारा काम जैनी पड़ चुका है, और अब सब आराम करेंगे और जिसका जो काम है वो करेंगे। जैसे कि हम लोगों का काम है लेट नाइट तक एडिटिंग करना, तो वो अब हम करेंगे पूरा। सारे छोटे छोटे से बच्चे जो बाहर हैं ना, घर का घेर का सब ध्यान रखते हैं, उन सबको खाना खिलाया ही मैं आज, थोड़े से नखरे दिखाए, पता नहीं क्या दिक्कत मान रहे। अब लस्सी तो होती नहीं कि मैं इन्हें पिलाया हूँ, क्योंकि जो दूध होता है हमारे यहाँ पर वो कम क्वांटिटी में होता है, और उसकी बस दही वगैरह जमा लें वही बच्चे वगैरह मैं काम आ जा खाने के। लेकिन कोई नहीं, जब भी लस्सी होगी ना लस्सी पिलाएंगे इनके लिए, कुछ बर्तन का इंतजाम करेंगे, टप वगैरह लेंगे जिससे कि सारे, पर ये एक जगह भी तो नहीं खाते कोई सा भी खाना, इन्हें सबको अलग अलग चाहिए। ये आदत है इन सब की, एक दूसरे को देख कर तो हट जा अपना खाना छोड़ दें। एक तो वो डरे ही है बहुत ज़्यादा, सवेरे उठना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे उस दिन से उठ जाता है जिस दिन से मैंने 27 करी इस पर। गुड्डू की ऑनलाइन क्लास चल रही और वो बैठा ठोडी टेक को,
ओ भाई चल अपने बिस्तरे पे उसे छोड़ दे, वहां तो मैं काम करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। आज था हमारा चौथा नवरात्र और बहुत अच्छे से नवरात्रे हमारे जा रहे हैं और खाने पीने का जो है सब चीज़ों का हम ध्यान कर रहे हैं। अब की बार ज़्यादा ऑयली खाना या घी वाला खाना हम खा नहीं रहे तीनों जने।